आज डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो हमें क्या क्या बताता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, जनरली हम उसका यूज़ करते हैं जनरेटर्स के अंदर। जो हमारे एसी जनरेटर्स हैं उसमें करंट की डायरेक्शन को, जो इंड्यूस करंट होता है उसकी डायरेक्शन को देखने के लिए कि किस डायरेक्शन में वो इंड्यूस हुआ है। तो इसकी हेल्प से हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है। तो जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो हमारा जो राइट हैंड है हमें ऐसे करना है, और जो तीनों ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और ये थंब है, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखने हैं। मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जो ये थंब होगा, ये थंब हमारा दिखाएगा जो थ्रस्ट और मोशन है। मोशन और थ्रस्ट आप इसको बोल सकते हैं, फोर्स आप इसको बोल सकते हैं। ये दिखाएगा कि किस डायरेक्शन में लगी है, और ये दिखाएगा, ये हमने इसने दिखा दिया मोशन, और ये जो फर्स्ट फिंगर है ये हमें दिखाएगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के बारे में ये दिखाएगा जो ये फर्स्ट फिंगर है, और जो सेकंड फिंगर है ये हमें दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट ये हमें दिखाएगी। तो इस तरह से अगर हमें मोशन का पता हो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता हो कि हमें किस डायरेक्शन में मोशन देना है या फोर्स लगानी है, और किस डायरेक्शन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो इंड्यूस होगी। तो मोशन जो थ्रस्ट है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, और ये दोनों ही परपेंडिकुलर्स हैं जो इंड्यूस करंट होगा उसके। तो ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो मान लीजिए इसका एक एग्जांपल है, एक हमारे पास नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल मैग्नेट है, और उसके बीच में एक कोयल है। जब हम इसको रोटेट करते हैं, मान लीजिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इस तरह से, तो मोशन जो हमने दिया वो इस तरह से दिया, इस तरह से। अगर हम सामने से देखेंगे तो ये हमें लगेगा कि क्लॉकवाइज हमने मोशन दिया है, उस तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम सामने से देखते हैं, जब हमने क्लॉकवाइज मोशन दिया तो ये जो आर्म है, मान लीजिए हम इसको लिख लेते हैं ए बी, तो ये आर्म ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये आर्म, मान लीजिए इस तरह की कोयल है, जब ये आर्म ऊपर की तरफ जाएगी तो मोशन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो मोशन जो है हमारा ऊपर की तरफ है, तो मोशन ऊपर की तरफ है, मान लीजिए इस तरह से है, और जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मीन्स इस तरफ हैं फील्ड लाइंस। ये हैं फील्ड लाइंस, ये है मोशन। तो करंट जो इंड्यूस होगा इस कोयल में, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, इस ए बी आर्म में, तो इस तरह से है, दोनों इस तरफ से हो गई, और जो ये थर्ड फिंगर है वो इस तरफ पॉइंट आउट करेगी, इस तरह से आप देखेंगे इसको। तो ये चीज़ ऊपर हो गई मोशन, ये फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गई, और जो ये चीज़ है ये बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर, मान लीजिए इस तरफ है, तो इस तरफ मतलब ये ए से बी की तरफ ट्रेवल करेगा जो इंड्यूस करंट होगा। अब इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें कि जो ए बी है वो पलट के इस तरफ आती है, और इस आर्म में किस तरह का करंट प्रोड्यूस होगा, तो इस तरह मान लीजिए हमने पहले ए बी का निकाल लिया, अब हम इसका निकालना चाहते हैं ये सी डी है, तो इसके अंदर भी हम इंड्यूस करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि जब हम इसको रोटेशन देंगे तो मोशन नीचे की तरफ आएगा। तो ये हो गया मोशन, जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरफ हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस हैं। तो ये जो हम पहले हमने ऐसे किया था हैंड, अब ये ऐसे हो जाएगा, मोशन नीचे की तरफ है, फील्ड लाइंस उस तरफ हैं, और करंट इस तरफ बाहर की तरफ है, तो करंट डी से सी की तरफ ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से देखिए हमने आसानी से जो इंड्यूस करंट हुआ है कोयल में, जब दो मैग्नेट के बीच में ये घूमेगी, इसकी फ्लक्स लाइन को काटेगी, इसमें जो करंट जनरेट होगा, करंट इंड्यूस होगा, तो उसकी डायरेक्शन को हम इजीली निकाल सकते हैं जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। तो जनरेटर्स में इजीली हम इसका यूज़ करते हैं और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकाल लेते हैं। तो ये था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।